अस्सलाम वालेकुम सेक्टर व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रहमान मंजूर ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है हाउ टू प्रमोट एंड हाउ टू इम्प्रूव मेल सेक्सुअल हेल्थ एक्टिविटी, यानी मर्दाना सेक्सुअल जिंसी एक्टिविटी को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है और किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है। व्यूअर्स, ये देखा जाता है कि हमारी रेगुलर रूटीन के अंदर बहुत से कंसर्न ऐसे हैं जिसकी वजह से मेल हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स, काफ़ी फ्री रेडिकल एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मेल परफॉर्मेंस, मेल विगर और मेल की जो स्टैमिना परफॉर्मेंस वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती है। सो इसी के बारे में आज बात करेंगे और उसके लिए एक रेमेडियल सप्लीमेंट के तौर पर एक प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो प्लांट का क्या बेनिफिट है और वो क्या जो है उसका डोजेज कैसे है और उसका यूज़ कैसे है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सारा देखें और वीडियो के लास्ट में अपने कॉमेंट्स और व्यूज़ लाजमी तौर पर आपने एक्सप्रेस कर लें। तो व्यूअर्स, आज टॉपिक ऑफ कंसर्न है कि हाउ टू इम्प्रूव मेल सेक्सुअल हेल्थ एक्टिविटी। बेसिकली इम्पोटेंस, जिसे एक ऐसी कंडीशन में लॉस ऑफ स्पर्म्स हो जाते हैं जिसे नामर्दानगी कहते हैं, या फिर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, जो लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि प्रोस्टेट जो कि बिलो यूरिनरी ब्लैडर होता है और इन फ्रंट ऑफ रेक्टम है, बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर उसकी जो है वो हाइपरट्रॉफी हो जाए, अगर वो इनलार्जमेंट कर दे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आता है कि जो हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बनता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि मेल में सेक्सुअल हेल्थ एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। तो इसके लिए आज गेट्स फार्मा जो है कि प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गोनेडिलेफ। इट कंटेन्स ट्राइब्यूलस ट्रेस्टिस और ये ट्राइब्यूलस ट्रेस्टिस का फंक्शन क्या है कि ये एक प्लांट है जो कि ज़्यादातर ड्राई क्लाइमेट कंडीशन में जो है वो ग्रो करता है। और इस प्लांट की ट्राइब्यूलस का की सबसे यूनिक फीचर्स ये हैं कि जहाँ इस प्लांट में कवर्ड लीव्स हैं और स्पाइंस हैं, साथ साथ ट्राइब्यूलस में ट्राइब्यूलस चेस्ट पेन, इसके अलावा ट्राइब्यूलस डिजीनेस, लिथार्जी उसके अंदर भी वर्क करता है, वीकनेस हो रही है, मसल वीकनेस हो रही है, नर्व वीकनेस हो रही है, वहाँ पर भी बेनिफिट देता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये मेल एक्टिविटी को, मेल परफॉर्मेंस को, विगर को इम्प्रूव करता है। अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया उसको ये ट्रीट करता है और इसके अलावा ये मेल हार्मोन्स को बढ़ाता है और ख़ास तौर पर लिबिडो, एक मेडिकल कंडीशन जिसमें मेल सेक्सुअल हेल्थ डिज़ायर जो है वो प्रमोट होती है, ना सिर्फ मैन में बल्कि वोमेन के अंदर ये उसको भी प्रमोट करता है। और इसके अलावा गोनेडिलेफ जिसमें ट्राइब्यूलस कंटेन करता है, उसका बेनिफिट ये है कि ये बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करता है और ख़ास तौर पर ये मेल सेक्सुअल हेल्थ एक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि गोनेडिलेफ का इंडिकेशन के साथ साथ इसका मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो ये इम्प्रूव करता है, स्टिमुलेट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो FSH जिसे कहते हैं, जो कि ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड इसे कंट्रोल करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, ये उसको स्टिमुलेट कर देता है। जब गोनेडिलेफ उसको स्टिमुलेट करेगा तो बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन DTH में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया भी नहीं होगा, जिसे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं। और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है एक कंटिन्यूस मूवमेंट से बनना शुरू हो जाएगा और मेल हार्मोन प्रमोट होगा, लिबिडो और प्रमोट होगा। दैट्स वाई गोनेडिलेफ जो है वो ना सिर्फ मेल बल्कि वोमेन के अंदर भी एग को प्रोड्यूस करने के लिए और फर्टिलिटी को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ट्राइब्यूलस के बेनिफिट्स इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर इसकी डोजेज की बात करते हैं तो गोनेडिलेफ आमतौर पर 1-2 कैप्सूल यानी ट्वाइस अ डे, दिन में 2 मरतबा 4-12 हफ्ते 4-12 वीक्स इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि मैक्सिमम परफॉर्मेंस इस्तेमाल हो। लेकिन जब भी हम गोनेडिलेफ की कैप्सूल को टेक करते हैं
तो इसको विद मील किया जाएगा विद अ प्लेंटी ऑफ वाटर। इसके अलावा ग्रेनाडिन लैब की अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं, तो ऐसी वोमेन जो कि जिनमें ओवुलेशन नहीं हो रही, जिनमें एग नहीं बन रहे, उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर हम ग्रेडिलेफ की ड्रग इंट्रैक्शन की बात करते हैं, तो देर आर नो डॉक्यूमेंटेड ड्रग इंट्रैक्शन ऑफ ग्रेडिलेफ ट्राइब्यूलस की किसी मेडिकेशन के साथ। आमतौर पर शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी इसको यूज कर सकते हैं विदाउट एनी बिग साइड इफेक्ट्स। अगर माइल्ड साइड इफेक्ट की बात करते हैं, तो हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनेशन और इसके अलावा टोनिसिटी के अंदर जो है कुछ इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन आल दो जो है ग्रेडिलेफ जो है एक बड़ा अच्छा टॉनिक है, डायूरेटिक है, ये यूरिनेशन को इम्प्रूव कर देता है और इसके अलावा ये चेस्ट और डिजीनेस और चेस्ट की जो कंजेशन है उसमें भी हेल्प करता है। इसका स्टोरेज टेम्परेचर नोट कर लें, स्टोरेज टेम्परेचर इसका है रूम टेम्परेचर के ऊपर जो कि बिलो 25 या इक्वल 25 होता है। लेस देन 14 ईयर्स एज में बच्चे यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करते हैं डोजेज की, तो रिकमेंडेड डोजेज जो है वो रिकमेंड की जाती है, सजेस्ट की जाती है बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर और फार्मासिस्ट। उम्मीद करते हैं कि आज का ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपने लाइक की होगी। अपना और पूरी फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान फाइंड अवर।